आज का टॉपिक है डी ब्रोगली थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का, और इसके बारे में हम लोग जाने। और देखिए ध्यान से, कोई भी वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में आज 5 क्वेश्चन भी बताए हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन नीट का है जो प्रीवियस में पूछा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जरूर आप लोग सोल्व करें। अब देखिए ध्यान से, डी ब्रोगली थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी बॉडी माइक्रोस्कोपिक बॉडी स्पेशली मोशन में जब रहता है तो उसमें कुछ वेव भी पाया जाता है और मोमेंटम भी होता है। यानी कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी मोशन में रहेगा तो उसमें ड्यूअल नेचर पाया जाएगा, एक मास नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ड्यूअल नेचर कहेंगे किसको, ड्यूअल नेचर किसे कहेंगे, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है। तो किसी पार्टिकल की ध्यान दीजिए, एक किसी भी पार्टिकल्स मोशन में रहता है तो एक रहता है वेव फॉर्म में और दूसरा रहता है पार्टिकल्स फॉर्म में। तो वेव और पार्टिकल्स कैसे समझेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी वेव है पार्टिकल्स है, ध्यान दें। यदि यहां से कोई चौक हम फेंके या ये पेन ही फेंके और इसमें बहुत से स्टूडेंट हैं, तो एक टाइम में ये चौक या पेन फेंकेंगे तो एक टाइम में एक ही बच्चे कैच करेंगे। लेकिन जो साउंड हम बोल रहे हैं, जो क्लास हम ले रहे हैं, उसकी आवाज को इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए सब सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो बोल रहे हैं उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि हमारे शब्द को बोलने के बाद किस पॉइंट पर जाएगा। लेकिन यदि इस पेन को फेंकेंगे तो किसी खास टाइम में किसी एक ही पॉइंट पर रहेगा। ऐसा नहीं कि पेन फेंकेंगे तो पूरे रूम में फैला हुआ रहेगा। जैसा कि मेरा साउंड जो है बोल रहे हैं तो हमारे सराउंडिंग के जितने बच्चे होंगे वह सब सुनते हैं। तो यही वेव है, साउंड जो है वेव है और ये आपका पेन है। लेकिन डी ब्रोगली कहता है कि कोई भी पार्टिकल मोशन में रहेगा तो लेस या लार्ज पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली में यहां पर ध्यान दे, डी जो है स्मॉल से लिखा जाता है। यदि इंग्लिश लैंग्वेज के बात करें तो डी होना चाहिए था कैपिटल में, लेकिन यहाँ स्मॉल से ही लिखा जाता है। जहां के डी ब्रोगली है वहां जो है इसी लेटर से लिखा जाता है। पहला ये स्पेशल कुछ नाम है वहां का, एक जैसे इंडिया में कोई सीरी लगाता है उसी तरह से वहां डी है। यहाँ डी स्मॉल है, सही है, गलत नहीं करेंगे, कैपिटल नहीं करेंगे। डी ब्रोगली ने कहते हैं कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशंस हैव ड्यूअल कैरेक्टर्स। कोई भी मटेरियल पार्टिकल्स है वह ड्यूअल कैरेक्टर रखता है, वन पार्टिकल नेचर और अदर वेव नेचर। एक पार्टिकल्स नेचर होता है और दूसरा वेव नेचर होता है। ही गिव द रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल्स एंड मोमेंटम बाय गिवन इक्वेशन। डी ब्रोगली ने वेव लेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन देने में कहा कि वेव लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का। मोमेंटम को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, यानी मोमेंटम बढ़ेगा तो वेव लेंथ घटेगा, मोमेंटम घटेगा तो वेव लेंथ बढ़ेगा। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। यहाँ एच लैम्डा इज इक्वल टू हो गया एच अपॉन पी, और P के जगह पर M भी लिख सकते हैं, मोमेंटम H अपॉन M भी। यहाँ पर
लैम्डा वेवलेंथ हो गया, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका तो वैल्यू फिक्स है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। एच का वैल्यू हम याद कर लीजिए 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। पी यहां पर मोमेंटम है, एम यहां पर मास ऑफ पार्टिकल्स है, वी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एच इजकल टू लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम भी। एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा का मतलब हो गया वेवलेंथ, एम का मतलब हो गया मास ऑफ पार्टिकल्स, बी का हो गया वेलोसिटी। अब इसका हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, ध्यान दें इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। प्लैंक्स ने एक फॉर्मूला दिए थे इज इक्वल टू एच न्यू, याद रखेंगे इज इक्वल टू एच न्यू, पीछे के क्लास में बताया गया है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू होता है एच इंटू न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हो गया, ई एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हो गया, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। और आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिए थे इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी याद रखें इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला पर हमारा एटॉमिक रिएक्टर काम करता है, एटम बम इसी फॉर्मूला से बना हुआ है, इसी फॉर्मूला के द्वारा जो है एटम बम काम करता है, यानी मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। तो एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा ये हो गया इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेफ्ट साइड दोनों का सेम है तो राइट दोनों को इक्वल कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से वी गेट एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और हम पढ़ चुके हैं पीछे के क्लास में सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी बराबर एच, वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये न्यू है और ये लैम्डा है, तो न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। अब यहां पर न्यू का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, न्यू के जगह पर सी बाय लैम्डा, सी सी कैंसिल हो गया और एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और एच बटे एम सी बराबर लैम्डा, यानी लैम्डा बराबर हो गया एच अपॉन एम सी या एच अपॉन पी, ये पी है। एच अपॉन पी फॉर लाइट के लिए, और यहां पर एच इजकल टू लैम्डा, लैम्डा इजकल टू यहां पर याद रखेंगे लैम्डा इजकल टू होता है एच अपॉन एम भी या एच अपॉन पी, यहां किसी भी पार्टिकल्स के लिए है, लैम्डा हो गया वेवलेंथ, लैम्डा हो गया वेवलेंथ, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, एम हो गया मास, भी हो गया वेलोसिटी, यहां पर भी जो है वेलोसिटी है, पी हो गया मोमेंटम। तो ए फॉर्मूला याद रखेंगे, ए फॉर्मूला याद रखना है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी या एच अपॉन पी, यही डी ब्रोंगली ने कहा था या इसका प्रूफ हो गया। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन कहता है इसी फार्मूला पर डी ब्रोंगली थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर आज क्वेश्चन कुछ देखेंगे। यहां पर कहता है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, मास दिया हुआ है 0.1 kg, मूविंग वेलोसिटी 10 m/s, मास 0.01 kg, वेलोसिटी दिया हुआ 10 m/s,
ये फार्मूला होता है एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। एच का वैल्यू याद रखेंगे, एच का वैल्यू याद रखेंगे 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसको एकदम याद कर लेना है। मास दिया हुआ है 0.1 की, सब एसआई यूनिट में पुट कर रहे हैं। वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सोल्व किए आ गया 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। बहुत हल्का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। आपका जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो मैक्सिमम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर का नीट का रहेगा, प्रीवियस ईयर आईटी का रहेगा, और कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखें, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का मास भी याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी। इट्स कैनेटिक एनर्जी दिया हुआ 3 इंटू 10 के पावर माइनस 25 जूल। कैनेटिक एनर्जी दिया हुआ तो वेवलेंथ पूछ रहा है। यहां पर ध्यान दें, यहां पर ध्यान दें, कैनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और कैनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, कैनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास में फिजिक्स में पढ़े थे, इलेवेंथ क्लास के फिजिक्स में पढ़े हैं। कैनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये याद रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर कैनेटिक एनर्जी बराबर। यहां से वेलोसिटी निकालेंगे तो वी स्क्वायर बराबर होगा 2 गुणे कैनेटिक एनर्जी अपॉन मास, और स्क्वायर हटावेंगे इस साइड रूट हो गया। ये वी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लैम्डा बराबर हम लोग पढ़ते हैं एच अपॉन एम भी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी, वी का वैल्यू पुट किए, एम जब अंदर जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, एम रूट के बाहर है और रूट के अंदर जब करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर वाला जो रूट के बाहर जाता है, जैसे 2 का स्क्वायर है रूट में तो बाहर जाएगा तो 2 बाहर है तो अंदर जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एम स्क्वायर एम एम कट करके ये फार्मूला हो गया, तो ये फार्मूला याद रखेंगे, ध्यान दें, ये फार्मूला याद रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू, याद रखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम इनटू कैनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। यानी यहाँ लैम्डा बराबर आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2 एम कैनेटिक एनर्जी। अब इस पर फार्मूला पर पुट कर दिए, एच का वैल्यू पुट कर दिए, 2 का मास का वैल्यू पुट कर दिए, इलेक्ट्रॉन का कैनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दिया उसके आधार पर यहाँ कैनेटिक एनर्जी पुट किए। अब इसको सोल्व करेंगे 8.867 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मीटर वेवलेंथ आ गया। इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, कैनेटिक एनर्जी को पहले हमें चेंज करना था, वेलोसिटी के फॉर्मूला में वेलोसिटी को वहां से निकालना था, वेलोसिटी का वैल्यू इसमें पुट करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी का लगता है क्वेश्चन है। मास ऑफ फोटॉन्स दिया हुआ है, मास ऑफ फोटॉन कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन, फोटॉन्स का मास ज्ञात करना है, फोटॉन्स का मास ज्ञात करना है, वेवलेंथ दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में हम लोग बात करें,
लैम्डा का वैल्यू तो दिया हुआ 3.6 अगेस्ट्रम, 1 अगेस्ट्रम बराबर होता है 10^-10 मीटर। याद रखेंगे 1 अगेस्ट्रम बराबर होता है 10^-10 मीटर। और c वेलोसिटी ऑफ लाइट या कोई बॉडी का वेलोसिटी हो गया 3×10^8 मीटर होता है। h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। h का वैल्यू पुट किए, लैम्डा का वैल्यू पुट किए, v का वैल्यू पुट किए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.63×10^-31 के जी। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसमें बात करें, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ वेव लेंथ 4000 पिकोमीटर प्रोवाइडेड 1 जूल एनर्जी। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसी से लिए हैं। वेवलेंथ दिया हुआ 4000 पिकोमीटर और 4×10^-12 मीटर। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ 4×10^-9 मीटर। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा, इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा। एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिए तो एनर्जी निकल गया एक फोटॉन्स का। और ध्यान दे, टोटल एनर्जी बराबर होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स गुने एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स गुने एक फोटॉन्स का एनर्जी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर एन बराबर हो जाएगा। यहाँ एन का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ई का मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो टोटल एनर्जी में वन फोटोन के एनर्जी से डिवाइड करेंगे, यानी वन एक फोटोन के एनर्जी इतना आ गया, तो आ जाएगा 2×10^16 फोटोन, 2×10^16 फोटोन। ये हल्का क्वेश्चन था, इसी टाइप का नीट आईआईटी मेंस में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें, यहाँ पर दिया, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, 25 वाट का कोई बॉल हम लगाए हुए हैं, 25 वाट का बॉल लगाए हुए हैं, तो यहाँ कैलकुलेट करना है कि रेट ऑफ इमिशंस ऑफ क्वांटा, क्वांटम का पुलर होता है क्वांटा, तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटम पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ क्वांटम इमिट करेगा, तो इज इक्वल टू होता है एच न्यू। ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और न्यू बराबर सी बटे लैम्डा। यहां से वैल्यू पुट कर दिए, एक चीज याद करेंगे, यहां पर ये माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, ये माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10^-6 मीटर। माइक्रो का मतलब, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10^-6 मीटर, माइक्रो का मतलब 10^-6 होती है, माइनस 6। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, ई का वैल्यू सोल्व किए तो इतना आया एक एनर्जी का, यानी कि ये जो फोटॉन्स है वेवलेंथ वाले फोटॉन्स का एनर्जी निकल गया, ये निकला एनर्जी ऑफ वन फोटॉन्स, एक फोटॉन्स का एनर्जी निकल गया इतना आ गया। अब इमिस एनर्जी इमिशंस बाय बल्ब 25 वाट, वाट पावर का यूनिट है, वाट पावर का यूनिट है, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। वाट का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी देता है, तो 25 वाट का मतलब 25 जूल पर सेकेंड एनर्जी इमिट करता है, 25 जूल, तो एक सेकेंड में 25 जूल इमिट करता है, तो एक सेकेंड में कितना टोटल एनर्जी इमिट करेगा,
नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, तो टोटल एक सेकेंड में है 25 जूल पर सेकेंड, और एक फोटोन का डिवाइड कर दिए इतना पर सेकेंड इमिट करता है। ये आपका सोल्व हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज का क्लास इतना ही, और आप लोग के सर्किल में जितने भी स्टूडेंट है वो सबको भी इसके बारे में बता दीजिए कि वो लोग भी इससे फायदा उठा सके। और आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगले क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9835615376, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज का इतना ही है।